जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि बैंक निफ्टी को मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करता हूं, देखो यही सपोर्ट जोन सॉरी सप्लाई जोन और डिमांड जोन कितने बढ़िया से काम करते नज़र आ रहे हैं। मार्केट यहां पर था अपने सप्लाई जोन पे, मैंने बोला था मार्केट गैप डाउन खुलेगा, वीडियो में बोला था प्रीवियस वीडियो में, देखो मार्केट गैप डाउन खुला और अब यहाँ पर डिमांड जोन पर जब प्राइस आ गया था तब मैंने शॉर्ट में बताया था कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। पहला जो रेजिस्टेंस बनेगा वो ये लेवल जो बीच में ब्लैक कलर की लाइन को बना रखी है 44,375 पे, और अगर इसे भी तोड़ता है तो मार्केट अपने सप्लाई जोन के पास चला जाएगा। और देखो जोन के पास गया और वहाँ पर से वापस रिटर्न भी हुआ, सेम टू सेम बिल्कुल एक्यूरेट रिटर्न हुआ। अब यहाँ पर डिमांड जोन के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बढ़िया सी डोजी बना करके मार्केट ऊपर निकल गया था, रेजिस्टेंस था बिल्कुल वहीं पर रेजिस्ट होकर बंद हो गया। मैंने बोला था कि अगर इस लेवल के ऊपर ही मार्केट क्लोज होता है तो मार्केट कल के दिन गैप अप खुलेगा, एक बड़ा गैप अप खुलेगा, और देखो वही हुआ नेक्स्ट दिन मार्केट में एक बड़ा गैप अप भी आया। अब क्योंकि प्राइस वापस से सप्लाई जोन से चल रही है तो अपने डिमांड जोन तक तो आएगी ही आएगी, तो देखो अपने डिमांड जोन तक मार्केट में प्राइस किस तरह से बड़ी आसानी से चलती चली आई कल का दिन और आज का दिन। मैंने बोला था कि पुट में मार्केट में ट्रेड जाएगा आज नहीं तो कल, ये डिमांड जोन टेस्ट करेगा और वही हुआ अपने डिमांड जोन को। अब देखना यह है कि नेक्स्ट प्राइस एक्शन क्या बन रहा है।